ठीक इसी तरह यही आग मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए लगी है सिदर। जब भी मिलते यही बातें करते हो, कोई दूसरी बात करो ना। तुम सिर्फ एक बार हाँ कर दो बस, फिर देखना सबके सामने तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, देखता हूँ कौन क्या करता है। अगर मिसेस जोशी ने सुन लिया तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करते हुए, तो वो भी तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगी। अब हटो यहां से, तुम्हारी गर्म सांसें मेरे गले से टकरा रही हैं। याद रखो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं। इस तरह से बात की जाती है तो क्या हुआ, वक्त आने पर ये प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगी। मिस्टर प्रधान जी, पुलिस ने जो सैंपल भेजा था क्या आपने उसे टेस्ट कर लिया? ये रिपोर्ट, सिर्फ दो टेस्ट बाकी है। दिखाइए, मास टेस्ट नेगेटिव, गुड साइड टेस्ट नेगेटिव, केमिकल एनालिसिस नॉर्मल, यूरिनरी कॉर्पो परफायरिंग टेस्ट नेगेटिव। क्या मतलब है इस बकवास का? हेलो जोशी स्पीकिंग। यस सर, रिपोर्ट से देख रही थी मैं। सर प्रधान की रिपोर्ट में या तो सब टेस्ट नॉर्मल है या फिर नेगेटिव, यहाँ तक कि यूरिनरी कॉर्पो परफायरिंग टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है सर। यस इट इज इम्पॉसिबल। I'll do it myself, sir. I'll do it immediately. Thank you, sir. Mr. Pradhan, जानते हैं किसका फोन था? चीफ कॉरनर का। अभयंकर केस के सैंपल्स की रिपोर्ट मांग रहे थे वो, और आपने ये बकवास मेरे हाथ में थमा दी। मैंने आपके होश तो ठिकाने हैं। मैंने तो सब टेस्ट किए थे मैडम, मगर ये तो, ये आदमी यकीनन जहर से मरा है और आपके सब टेस्ट नेगेटिव। कहीं आपने जानबूझ कर ही तो नहीं ये सब किया है? तबियत ठीक नहीं है, लगता कुछ उल्टा पुल्टा आ गया। क्या कहा था आपने? कुछ भी नहीं, हुई जो मेरी वाइफ ने मुझे दी। लीना बिठाइए। प्लीज कम मिस्टर प्रधान, प्लीज कम। लीना तुम इधर आओ सर, टेस्ट करो। तुम देखिए, अरे टेस्ट तो पॉजिटिव है। मिस्टर प्रधान देखिए जरा, साफ दिखता है कि ये एक आर्सेनिक पॉइजनिंग का ही केस है। मैडम मैंने तो टेस्ट ऐसे किए थे, तब अगर मेरा रिपोर्ट नेगेटिव निकला तो मैं क्या करूं मैडम? क्या जरूरत है हमें इतने सेंसिटिव इक्विपमेंट्स की, जब इन्हें ऑपरेट करने वाला ही बेवकूफ हो। क्या आपको मालूम है कि आर्सेनिक जैसा खतरनाक जहर कितनी आसानी से मिलता है? कॉकरोच मारने का जहर हो या कोई और कीटनाशक हो, बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। पुलिस एक्यूरेट रिपोर्ट के लिए हमारे ऊपर निर्भर करती है, और अगर हम ही इसी तरह लापरवाही करते रहेंगे तो कातिलों का बच निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। यस मैडम, कातिलों का बच निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। लीजिए मैडम कीड़े मारने का जहर, चम्मच में थोड़ा सा पाउडर लेना और जहाँ कीड़े हैं वहाँ छिड़क देना, जड़ों के पास थोड़ा सा मिट्टी में मिला देना, लेकिन बहुत कम, बहुत खतरनाक है ये। जरा सा भी ज्यादा हुआ तो कीड़े क्या पौधे और फूल भी मर जाएंगे। लेकिन मैं इस पूरे पैकेट का क्या करूंगी, मुझे तो थोड़ा सा ही चाहिए। यहाँ खुला बेचना मना है, लेना हो तो पूरा पैकेट ही लो। अच्छा, बच्चे हैं आपके घर में? नहीं, क्यों? कुत्ता बिल्ली? नहीं भाई, लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं अगर है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, इसे उनकी पहुँच से बहुत दूर रखना। हाँ कीड़ों को मारने के लिए बहुत कम लगता है, लेकिन अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो इंसान भी मर सकता है। इस पैकेट में आधे शहर भर को मारने का जहर भरा हुआ है, जिंदगी भर टिकेगा, संभाल के रखिएगा, मौत है इसमें, मौत।
क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं, मैं अंदर थी और मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। आखिर तुम कर क्या रही थी? अरे कुछ नहीं, मैं रोज की तरह गार्डनिंग कर रही थी और उसके बाद मुंह हाथ धोने गई और तुम अचानक आ गए। और तुम तो रोज शाम को 9 बजे से पहले आते नहीं हो और मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ता है। आई एम सॉरी डार्लिंग, रोज जल्दी आने का प्रॉमिस करके भी मैं रोज लेट आता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ये जगह भी तो शहर से इतनी दूर है, और अगर तुम्हें हर शाम इस घर में अकेले रहना पड़ता तो तुम्हें पता चलता कि अकेलापन क्या होता है। मैं समझता हूँ डियर, आई अंडरस्टैंड। यहाँ कोई आसपास बात करने के लिए भी नहीं है, यहाँ के घर एक दूसरे से कितने दूर हैं। तुम कभी कभी अपने लैब के दोस्तों क्यों नहीं बुला लेती हो शाम को? फिर लैब में तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा ना? हाँ है, बहुत से। मैं बुलाऊंगी उन्हें जल्दी, तुम चिंता मत करो। अच्छा मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। क्या बात है सुधीर? एक बात पूछूं सेजन, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? ये क्या हो गया हम दोनों के बीच में? तुम मुझे देख के बिल्कुल खुश नहीं होती हो, कुछ कहती भी नहीं हो। इन 5 सालों में तुम कितना बदल गई हो। मैं बदली हूँ? तुम नहीं बदले हो। हाँ कभी रहते हो घर में, फुर्सत है तुम्हें अपने बिजनेस और बिजनेस कलीग से? क्या करूं सेजल, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, ज्यादातर काम ऑफिस के बाहर होता है। और गलती से किसी शाम को तुम खाली हुए भी तो सीधे उस डॉक्टर विकास के यहाँ चले जाते हो, ये जानते हुए कि कितनी नफरत है मुझे इस बात से। क्या करते हो तुम वहां, कोई बीमारी है तुम्हें क्या? बीमारी बिल्कुल नहीं भाई, हम आपस में बातें करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है बस। दोस्त है बस? दोस्त नहीं, औरतों का दुश्मन है वो, खुद तो शादी करता नहीं और दूसरों की शादी बर्बाद करने पे तुला है। वो कैसे हमारी शादी बर्बाद कर रहा है? देखो सेज, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, आई प्रॉमिस मैं अपने आप को बदल डालूंगा, नौकरी भी छोड़ दूंगा अगर तुम चाहो तो। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। ठीक है, ऐसा ही हो। देखो बहुत दिनों से हमने एक साथ खाना भी नहीं खाया, चलो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर करती हूँ। आहा वाह, आज तो खाने में कुछ अजीब ही बात है, कमाल कर दिया तुमने। थोड़ा और ग्रेवी लो ना। बस बस बस, मुझे लो ना, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर से बनाया है। डार्लिंग प्लीज, नहीं प्लीज, बस थोड़ा सा और प्लीज। सेजल ये भी लो ना, थोड़ा सा सैलेड लो। That's enough, darling. Please. That's okay. Okay. क्या बात है? तुम कुछ खा नहीं रही हो? सिर्फ चम्मच इधर तो चला रही हो? नहीं तो? सेजल, तुम्हें याद है जब हम शुरू शुरू में किसी फाइव स्टार होटल में जाया करते थे तो मैं अपनी प्लेट से अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाया करता था। लोग हमें देखा करते थे और हमें किसी की परवाह नहीं होती थी। लो आज हम फिर उसी तरह खाना खाते हैं। ये लो। नहीं नहीं प्लीज, लो ना सिर्फ एक बाइट प्लीज। नहीं प्लीज, सिर्फ एक बाइट। नहीं तुम खाओ, मुझे तुम्हें खाते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा खाओ ना तुम। हेलो, कौन विकास? नहीं यार आज नहीं। हाँ यार मुझे मालूम है कि मैं आज आने वाला था मगर, अरे यार अच्छा अच्छा तो मैं आता हूँ,
नहीं नहीं मैं पहुंच रहा हूं 20-25 मिनट में। कहां जा रहे हो तुम? मिसेस महाजन, मैं डॉक्टर विकास बोल रहा हूँ। सुधीर क्या अभी निकला नहीं वहाँ से? वो तो तभी निकल गए थे जब आपने फोन किया था 8:30 बजे। 10 मिनट का तो रास्ता है वहाँ से, कुछ गड़बड़ ना होगी। मैं देखता हूँ, आप भी आइए प्लीज। माय गॉड, कैसे गिर गए तुम यहाँ पर? किसी गाड़ी से टकरा गए थे क्या? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, पेट में बहुत दर्द हुआ, फिर कुछ उल्टियाँ हुई, बाद में चक्कर आ गया। मेरे तो खून नीले पड़ रहे हैं, खून भी निकल रहा है मुंह से। चलो उठो, उठो। संभल के। Please, 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 please
की दवा इसकी जान बचा सकती है। इसे पकड़ो, मैं इंजेक्शन बनाता हूँ। देखो यही आखिरी एक मौका है इसकी जान बचाने का, तुम जाओ। How are you feeling now? Much better. तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि अच्छा, तुम्हारे सिर की चोट का क्या हाल है? अरे क्या, ये तो थोड़ी सी लगी है, लेकिन थैंक गॉड तुम ठीक हो। यू आर रियली लकी। अगर वो दूसरा डॉक्टर नहीं आया होता ना भागे हुए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कहा था ना तुमसे कि बाहर मत जाना, अगर डॉक्टर विकास नहीं आए होते तो मेरा दिल कांप उठता है वो सब याद करके। डॉक्टर विकास कह रहे थे कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। क्या खाया था तुमने कल? मैंने हाँ, कल क्या खाया था तुमने? कल रात तो मैंने घर पर ही खाना खाया था, उससे पहले। हाँ याद आया, मैंने कुछ फ्राइड प्रॉन्स खाए थे। हाँ प्रॉन्स ही खाए थे। प्रॉन्स? आर यू श्योर कि तुमने प्रॉन्स ही खाए थे? हाँ। तुम्हें ठीक से याद है ना? ऑफ कोर्स, मुझे अच्छी तरह याद है। कल ऑफिस के बाद मैं और मेरा कलीग एक चाइनीज कॉर्नर से कुछ प्रॉन्स खाने गए। उसके बाद मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई। जरूर वो प्रॉन्स वाले खराब रहे होंगे। मेरे साथ ऐसा एक बार गोवा में भी हुआ था। लेकिन देखो, हम काफी ऐसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे और देखो, मेरी बातों को गलत अर्थ मत प्लीज। देखो, तुम्हारे और सेजल के बीच में आई मीन तुम्हारे और सेजल के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। आई नो दैट, मतलब एनीवे, आर यू श्योर कि प्रॉन्स खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी? आर यू रियली श्योर? तुम कहना क्या चाहते हो कि सेजल मेरे खाने में कुछ गड़बड़ कर रही है? नहीं, मेरी बातों का ये मतलब नहीं था। You're really lucky, तुम बच गए। अच्छा, हाँ? वरना तो सेजल ने कल एंटीडोट की बोतल गिरा दी, फिर बाद में उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो गया। पता नहीं एक्सीडेंट हो गया या कर दिया। I really don't know. जी मैं आप बोल देते हो यार, तुम साले बैचलर लोग, हम शादीशुदा लोगों से हमेशा जलस रहते हैं। घर में बीवी तो होती नहीं खाना पका के खिलाने को, इसलिए साले हमसे चलते। अब खबरदार ऐसी फालतू की बात मुझसे करी तो। रिलैक्स रिलैक्स,
खैर छोड़ो इन सब बातों को, देखो मैंने तुम्हारे कुछ सैंपल्स ले लिए हैं टेस्ट करने के लिए। नाउ यू आर मच बेटर। बस एक बात का ध्यान रखना, अपने खाने पर जरा नजर रखना। अच्छा तुमने सुबह क्या खाया था? आज सुबह नाश्ते में सेजल ने कुछ सूप दिया था। सूप? कितने बजे? यही कोई 3-4 घंटे पहले। क्यों 3-4 घंटे पहले? Oh my God! सुधीर क्या हुआ तुझे? सुधीर For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.